सो गाइस, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं कि मार्वल एंड डीसी में लूसीफर के टू डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि ये दोनों ही लूसीफर हैं, यानी कि द किंग ऑफ हेल, बट फिर भी इन दोनों में कौन सा लूसीफर का वर्जन ज्यादा पावरफुल है? ये सवाल तो बहुत लोग के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि लूसीफर का कौन सा वर्जन सबसे पावरफुल है, मार्वल वाला या फिर डीसी वाला। सो गाइस, इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, एंड बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना, ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो अब लेट्स बिगिन। सो पहले अगर मैं बात करूं मार्वल यूनिवर्स के लूसीफर की, तो लूसीफर एक क्लास 2 डीमन है। मार्वल यूनिवर्स में डीमंस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें जो मार्वल का लूसीफर है वो क्लास 2 रैंकिंग में आता है। बट यस, लूसीफर के इस वर्जन के पास बहुत सारी टाइप की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। लूसीफर पजेस करता है अ ग्रेट डिग्री ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो अपने स्ट्रेंथ के जरिए ही अपनी मैजिकल पावर्स को ऑग्यूमेंट कर सकता है एंड उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। हालांकि कितने डिग्री तक ये अभी भी अननोन है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। मार्वल के वर्जन वाला लूसीफर काफी फास्ट है, हालांकि वो स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ साउंड जितना फास्ट तो नहीं है, बट यस वो काफी फास्ट है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना भी है, यानी कि उसकी बॉडी बिल्कुल भी फटीग टॉक्सिन्स को जनरेट नहीं करती है, जिसके कारण उसको मिल जाता है ऑलमोस्ट लिमिटलेस स्टेमिना। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो किसी भी टाइप के अटैक से रेजिस्टेंट है। हालांकि उसको काफी बार हार्म किया गया है मार्वल यूनिवर्स में। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, यानी कि वो अपनी बॉडी को किसी भी टाइप के वुंड से काफी जल्दी हील कर लेता है। एंड ये सबसे बड़ी चीज, उसके पास है इमोर्टैलिटी, यानी कि वो कभी भी मरेगा नहीं। अब गाइस, लूसीफर मार्वल का हो या फिर डीसी का, रहेगा तो वो इमोर्टल ही। एंड ये वो हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि वो जनरेट, कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट कर सकता है मिस्टिकल फायर को, जिसको हम लोग हेलफायर भी कहते हैं। वो मैजिक मैनिपुलेशन भी कर सकता है, एंड ये एबिलिटी उसकी काफी बार शोकेस भी की गई है कॉमिक्स में। उसके पास नेक्रोमेंसी की भी एबिलिटी है, यानी कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। बट यस, किसी को किसी की कॉन्शियसनेस वापस नहीं कर सकता। नीदर वर्ल्ड में लूसीफर की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट यस, नीदर वर्ल्ड से बाहर आने के बाद उसकी पावर्स ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है। उसके पास पोजेशन भी है, यानी कि वो किसी की भी बॉडी को पोजेस कर सकता है नॉर्मल, जैसे कोई प्रेतात्मा करती है। वो दूसरों की एस्ट्रल बॉडीज को भी कैप्चर कर सकता है। वो अपना शेप भी शिफ्ट कर सकता है, यानी कि वो किसी भी टाइप के बीइंग या फिर किसी भी टाइप की नॉन लिविंग थिंग का फॉर्म ले सकता है। इसके अलावा जो मार्वल यूनिवर्स का लूसीफर है, वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है, यानी कि वो दूसरों को काफी इजीली बेवकूफ बना देता है। उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है एंड अपने हिसाब से काम करवा सकता है। वो काफी एक्सपर्ट भी है कॉम्बैट में। उसको सारे तरीके की कॉम्बैट स्किल्स एंड टेक्निक्स आती है, जिसके कारण वो काफी स्किल्ड फाइटर बन जाता है। मार्वल के लूसीफर की बहुत सारे वीकनेसेस भी है, जैसे कि वो हेल से खुद बाहर नहीं आ सकता है। वो ट्रैप हो चुका है हेल में, एंड उसको कई बार गोस्ट राइडर जैसे बींग्स ने बेवकूफ भी बनाया है। सो या गाइस, इससे तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मार्वल का लूसीफर कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड अब अगर मैं बात करूं लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, यानी कि डीसी के लूसीफर की, तो उसको सैमुअल या फिर लाइट ब्रिंगर भी कहा जाता है। एंड यस, उसका एक और बहुत फेमस नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं सैटन। लूसीफर मॉर्निंग स्टार एक आर्क एंजल था, बट लेटर ऑन वो बन गया द इनफेमस रूलर ऑफ हेल, जहाँ पे वो ह्यूमंस की सोल्स को ट्रैप करता है, उनको टॉर्मेंट करता है। लूसीफर को ही ब्लेम किया जाता है फॉर द सिंस ऑफ मैनकाइंड, एंड द सेवन डेडली सिंस के लिए भी लूसीफर ही रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो लूसीफर एक कल्चरल आइकन है एंड एक वेल नोन फिगर है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, बट यस, डीसी यूनिवर्स में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली चीज, लूसीफर के पास है आर्क एंजल फिजियोलॉजी। अब क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंजल्स में से एक था, तो इसीलिए लूसीफर के पास बहुत सारी पावर्स है। वो गॉड की ग्रेटेस्ट क्रिएशन था। हालांकि उसका बिग ब्रदर, जिसको हम लोग माइकल कहते हैं, वो एक आर्क एंजल है, वो भी बहुत पावरफुल है। बट यस, लूसीफर ने उसको भी सरपास कर रखा है अपनी पावर्स से। लूसीफर केपेबल है कि वो उन चीजों को भी परफॉर्म कर सके जो कि कोई नॉर्मल गॉड या फिर डीमन कभी सोच भी नहीं सकता है। उसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, कॉज एज वी नो वो एक डेविल है, तो इसीलिए वो अपने सामने वाले किसी भी बीइंग को ओवरपावर कर सकता है। उसकी स्पीड की भी कोई लिमिट नहीं बताई गई है। वो फास्टर देन लाइट है एंड बहुत आराम से टेलीपोर्ट भी हो सकता है। उसके पास एंजल विंग्स है, जिसके कारण वो बहुत इजिली फ्लाई भी कर सकता है एट एक्सट्रीम स्पीड्स। उसका एंड्योरेंस भी लिमिटलेस है। अब ऑफ कोर्स, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जिसकी बॉडी फटीग टॉक्सिन्स को जनरेट करे, इसलिए वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है एंड कितनी भी देर तक फाइट कर सकता है। उसकी रिफ्लेक्सेस और उसकी डेक्सटेरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसका कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण वो काफी एजाइल भी बन जाता है। एंड अगर किसी बीइंग ने उसको हार्म कर भी दिया, तब भी उसके पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो बहुत जल्दी ही अपने वुंड्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। यस, उसको मारने के लिए डिवाइन वेपन्स का यूज करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज वो एक इमॉर्टल बीइंग है। वो करोड़ों साल से जिंदा है, जिसके कारण हम लोग को एक चीज तो पता चलती है कि उसके पास लॉन्गेविटी भी है, यानी कि वो एज नहीं करता है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स में जो भी चल रहा है उसको हर चीज की नॉलेज है। वो अपना शेप भी शिफ्ट कर सकता है एंड
किसी भी बींग का शेप ले सकता है। वो एक आर्मी को क्रिएट कर सकता है, किसी मरे हुए को दोबारा से जिंदा कर सकता है, यानी कि एक तरीके से रिजरक्शन। स्पिरिट्स एंड सेलेस्टियल से कम्युनिकेट कर सकता है। उसके पास टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी भी है, यानी कि अपने माइंड से दूसरों के थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है, दूसरों की विल को कंट्रोल कर सकता है, दूसरों को विजन्स दिखा सकता है, इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। एंड यस, वो किसी की भी डिजायर को फुलफिल भी कर सकता है, यानी कि किसी भी बींग की कोई भी डिजायर हो तो वो उसको पूरा कर सकता है। बट यस, बदले में लूसिफर को हमेशा एक चीज चाहिए होती है जो कि वो डिजायर को फुलफिल करने के बदले लेता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो सोल्स होती है जिससे उसका डोमेन और भी ज्यादा पावरफुल होता है। एंड यस, उसको सर्वेंट्स भी मिल जाते हैं हेल में ही। सो ये तो हमने बात करी दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन मार्वल्स लूसिफर एंड डीसीज लूसिफर, सो गाइस ये बैटल तो काफी इंटरेस्टिंग होगी। एंड दोनों ही लूसिफर है, यानी कि रूलर ऑफ हेल। बट फिर भी इन दोनों की ही पावर्स में एक बहुत बड़ा गैप है, जहाँ पे मार्वल का लूसिफर खुद से हेल से बाहर नहीं आ सकता एंड उसकी पावर्स भी लिमिटेड है। एंड मार्वल यूनिवर्स में ऐसे कई सारे बींग्स हैं जो कि लूसिफर की पावर्स को सरपास कर देते हैं, तो वही डीसी यूनिवर्स में लूसिफर प्रेजेंस के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग है। डीसी यूनिवर्स में लूसिफर की काफी रिस्पेक्ट है, तो इससे तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा वर्जन ऑफ लूसिफर ज्यादा पावरफुल है। बट गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से मार्वल एंड डीसी के लूसिफर में अगर बैटल होगी तो कौन सा लूसिफर विक्टोरियस इमर्ज होगा? आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।